जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर कुलदीप मेहता, मैं कुलदीप मेहता आपका इस रेंचो साइंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 1 जो वास्तविक संख्या है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से कंटिन्यू प्रत्येक दिन पर डे एक वीडियो आपको मिलेगा जिसके सहारे क्लास 10 का मैथ्स का पूरा पूरी कंप्लीट कोर्स, हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। और मेरा वादा है आपसे कि आपको मतलब एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो आपसे नहीं बन पाएगा अगर आप पर डे इस मतलब यहाँ के इस चैनल के वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों इसके पहले भी जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लिया करता था उस समय 2017 में, 18 में, 19 में लगातार 3 से 4 साल तक मैं कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से, झारखंड का कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर टॉपर दे चुका हूँ, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर, इस तरह करके डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और उनके मैथ्स के मार्क्स 100 100 आया करते थे ऑफलाइन क्लासेज में। ऑनलाइन तो अब स्टार्ट हुआ है। कभी कभी मतलब ऐसा हुआ है कि 15 स्टूडेंट का, 17 स्टूडेंट का 100 में 100 मैथ्स में आया हुआ है। कभी 10 का, 8 का, इसी तरह से हर साल 10 का, कभी 15 का, कभी 12 का, हर साल 100 में 100 मैथ्स में आया हुआ है। हर एक टॉपिक टॉपिक कवर होगा, कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप सिर्फ पर डे वीडियो को देखा कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, हर एक कंसेप्ट आपको दिया जाएगा, हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। इसलिए पूरा विश्वास रखिए और विश्वास बनाए रखिएगा। आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त, जो भी दोस्त वगैरह हैं, वो सभी इसको देख पाएँ और कोई टॉपिक उनसे भी ना छूटे और वो भी एग्जाम बोर्ड में, और एग्जाम बोर्ड में बेहतर मार्क्स लाने के लिए उनको भी मौका मिले आपके द्वारा। इसलिए आप अपने दोस्तों को भी बताया कीजिए कि इस चैनल में ये क्या क्या फैसिलिटीज और क्या क्या किस तरह का चीज़ पढ़ाया जाता है, कोई टॉपिक नहीं छूटता आपका। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर को, इस मैथ के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जो वास्तविक संख्या है, इंग्लिश में कहे तो रियल नंबर। ठीक है, इसमें कुल अपने को सबसे पहले पढ़ना क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ये पहले है क्या, पहले इस चीज को समझते हैं, इस एल्गोरिदम को, इस थ्योरम को समझते हैं और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से जैक बोर्ड में 100% एक क्वेश्चन रहता है, चाहे वो एचसीएफ निकालने के लिए दिया जाए या तो फिर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है जो प्रूव करने के लिए दिया जाता है। तो 100% क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। और ऐसे बड़ा सिंपल है, हम लोग इस एल्गोरिदम को पहले यूज़ कर चुके हैं, बचपन से अभी यूज़ करते हुए आए हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल पाता था कि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को यूज़ कर रहे हैं। देखिए कहाँ यूज़ करते थे हम लोग। सपोज अपन 4 से 15 को डिवाइड करते हैं, 4 से 15 को भागा देते हैं, तो भागा देते तो क्या आता है, 3 बार में जाएगा, 4 3 12, कितना बचेगा, 3। ठीक है, देखिए आप पढ़ते थे ये भाजक, मिस्टेक हुआ, भाज्य, यह भाजक, ये भागफल और ये है शेषफल था। और यहाँ से एक रूल हम लोग जानते थे, क्या बचपन से पढ़ते हैं आप इस फॉर्मूले को, क्लास 3rd या 4th से पढ़ते आए हुए हैं, कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, है ना। आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ते हुए आए, इस चीज़ को आप अच्छे से जानते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, कहने का मतलब 15 बराबर, ये 15 बराबर 4 गुने 3 और प्लस 3, है ना, 15 बराबर 4 गुने 3 प्लस 3। ये जो चीज़ है, ये जो रूल है, ये जो फॉर्मूला है,
यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जो आप पहले से पढ़ते हैं। अब आपको पता नहीं चल पाया था कि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। यही ये चीज़ आपको दिखाया गया है, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यहाँ पर हम लोग भाज, भाजक, भागफल, शेषफल ये सब वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ अलग सिंबॉल्स है, कुछ अपने से ले सकते हैं हम लोग। भाज को हम लोग अक्सर ए से डिनोट करते हैं, ए। बाकी आपकी मर्जी है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रेगुलेशंस नहीं है कि ए से डिनोट करना पड़ेगा, लेकिन अक्सर जो यूज़ किया गया एनसीईआरटी बुक में उसका बात करते हैं। ए भाज को, भाजक को बी से डिनोट करते हैं, ये भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। भाजी को ए से, बी से, क्यू से, आर से। तो अगर इस, ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हुए आए, अगर इसको ए बी क्यू आर के टर्म में अगर लिखें तो क्या लिखाएगा? भाज्य मतलब ए, ए बराबर भाजक मतलब क्या? बी, बी और इनटू क्या? भागफल मतलब क्यू, क्यू और प्लस आर शेषफल। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, समझ पाए? ये जो हम लोग पढ़ते हुए आए बचपन से, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जिसको हम लोग यहाँ पर भी कह सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कहीं कहीं अलग अलग वर्ड यूज़ करेंगे, अलग अलग लेटर को यूज़ किया गया जाएगा, तो अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, लेकिन ए बराबर बी क्यू प्लस, यही फॉर्मेट है, यही फॉर्मूला है। इसी को कहा गया, इसी चीज़ को कहा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। चलिए, तो हम लोग समझ पाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब चलिए इसको इस टर्म में लिख देते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है। चलिए पहले लिख लेते हैं, कोई दो वास्तविक संख्याएं ए तथा बी के लिए इधर लिख दे रहा हूँ, मैं इधर डिफाइन कर रहा हूँ, एक्चुअली है क्या, ये चीज़ को लिखेंगे सेम। कोई दो वास्तविक संख्याएं ए तथा बी के लिए, यहाँ पर अगर बोले तो ए और बी के लिए, आपको 4 और 15 देते था ना, इसको सोल्व करके लाते हैं। ये फॉर्मेट लिखते हैं, 15 बराबर 4 गुने 3 प्लस 3। कब? जब आपको ये ए पता होता है और जब आपको बी पता होता है, ये दोनों चीज़ें पता होता है, तभी हम लोग काम कर पाते हैं। एक को दूसरे से डिवाइड कर देते हैं और ये फॉर्मेट पर ले आते हैं। तो कोई दो संख्या अपने को दिया हुआ है, ए और बी, ए और बी दिया हुआ है। इन दोनों संख्याओं के लिए निश्चित रूप से कोई दो संख्याएं, इन दोनों संख्या ए और बी के लिए निश्चित रूप से कोई दो और संख्याएं, कौन कौन सा? क्यू और आर। कोई दो संख्याएं क्यू तथा आर होंगी, इस प्रकार होगी कि हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। समझ पाए? दो संख्याएं ए और बी, इन दोनों संख्याओं के लिए 100% कोई दो संख्या जरूर आएगा। कौन कौन सा है? एक क्यू आएगा, आर आएगा, दो ऐसी संख्याएं जरूर आएंगी जिसको यूज करते हुए हम उसको लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, मतलब सिंपली ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसमें आपको ए और बी पता रहेगा और सोल्व करके बी से ए को डिवाइड करेंगे, बी से ए को डिवाइड करेंगे, करने पर क्यू और आर आएगा। ए और बी आपको पता रहेगा, 4 और 15 पता रहेगा, 4 से डिवाइड करेंगे 15 को, और डिवाइड करने पर क्यू और आर आपको मिलेगा। उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 15 बराबर 4 गुने 3 प्लस 3, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। चले, ये क्या समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसका यूज़ देखेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे। बड़ा ज़बरदस्त एप्लीकेशन है इसका, एच सी एफ निकालने में। दो नंबर्स का एच सी एफ कैसे निकाला जाता है, इस चीज़ से देखते हैं।
चलिए दो संख्या लेते हैं, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एक क्वेश्चन है। चार और 13, हाँ चार और 13 का HCF कैसे फाइंड करना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके फाइंड करना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कर ज्ञात करें। 4 और 13 दो संख्याएं दी गई है, ये क्या हो गया, ए और बी इनमें से होगा, एक ए होगा एक बी होगा, तो 4 और 13 का HCF फाइंड करना अपने को, लेकिन ऐसे डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है, और वैसा करने पर आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए 4 और 13 का HCF अपने को निकालना है, ऐसे तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे और निकालेंगे उसी से, लेकिन उसके पहले कुछ और चीज़ें देखते हैं और उसके हेल्प से ये आसान हो जाएगा क्वेश्चन, देखते हैं। 4 और 13 का HCF हम भले क्वेश्चन बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, लेकिन हम पहले निकालते हैं भाग विधि से। आप जानते हैं अच्छे से कि 4 और 13 मतलब कोई भी दो संख्या है, दोनों संख्या का HCF निकाला जा सकता है भाग विधि से। कैसे, तो दोनों संख्या में से जो छोटा संख्या है उससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं किसको, 13 को, याद कीजिए कितना बार हो जाएगा, 4 तिया 12, क्या बचा शेष, 1। उस वक्त क्या किया जाता था HCF निकालने के लिए, अब क्या करते थे, इस 1 से डिवाइड करते थे किसको, इस 4 को, याद कीजिए 4 को, 4 को डिवाइड करते थे कितना बार में जाएगा, 1 4 जा 4, 4 बार में जाएगा, और यहाँ क्या शेष बच जाएगा, 0। जब शेष 0 बच जाता था तब इस केस में शेष HCF क्या होगा, HCF जब शेष बच जाए उस समय जो भाजक होगा, जब शेष 0 बच जाए उस समय जो भाजक होगा वही होता था HCF, किसका, 4 और 13 का। भाग विधि से अच्छे से इसको पढ़ें, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं भाग विधि से HCF निकालना, 4 और 13 का तरीका फिर से याद कर लीजिए, पहले छोटा संख्या से बड़ा संख्या डिवाइड करते हैं, 4 तिया 12, 2 बार में गया 1 आया, वापस जो भाज यहाँ पर शेषफल है शेषफल बन जाएगा भाजक, और भाज क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो था भाजक ये बजेगा भाज्य, मतलब एक ये वाला 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 बार में डिवाइड, जब तक शेष ना बचे तब तक यही प्रोसेस किया जाता है, और सब जब शेष 0 बच जाए उस समय जो भाजक होता है वही भाजक कहलाता है HCF, ठीक है। तो पहले ये हम लोग भाग विधि से बगल में सॉल्व कर लिए, अब हम लोग इसी का हेल्प लेंगे और यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे, देखिए कैसे। चलिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम इसका हेल्प लेंगे, हम इसका हेल्प लेंगे, क्यों इसका हेल्प लेंगे, अभी कुछ देर पहले हम लोग सीखे कि जो भागा होता है, जैसे 4 से 15 डिवाइड कर रहे थे, या तो 4 से 13 को यहीं पर देते हैं, 4 से 13 को हम डिवाइड किए हैं कितना बने, 4 तिया 12, 1, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 13 को 4 गुने 3 प्लस 1, क्या लिख सकते हैं, 13 बराबर 4 गुने 3 प्लस 1, यही तो है यूक्लिड, यही है ना यूक्लिड, तो ये जो चीज़ अगर आपको पता चल गया तो आसानी से उसको इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही यूक्लिड कहता है, तो हम लोग को यूक्लिड मतलब इसके हिसाब से सोल्व करना, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको लाने के लिए पहले इसको कर लें, मतलब ये भाग विधि पहले सोल्व कर लेते हैं साइड में, और उसके बाद इसके इसका हेल्प लेंगे, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हेल्प से इस तरह से करते करते सोल्व करके निकाल देंगे। इससे बड़ा आसान क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन पूछता है, देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पर ए और बी किसको मानेंगे, तो ए तो क्या कौन होता है, ये होता है ए और ये होता है बी, है ना, छोटा वाला होगा बी, छोटा वाला होगा बी, बड़ा वाला होगा ए, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम छोटा वाला डिवाइड करते हैं, छोटा यहाँ पर बी के रूप में काम करता है, तो यहाँ पर लेते हैं, यहाँ ए बराबर क्या है 13 और बी बराबर क्या है 4, ए बराबर 13 और बी बराबर 4, ठीक। अब यूक्लिड विभाजन का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए, एल्गोरिदम से इसके हिसाब से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, पहला स्टेप में आपको 4 और 13 पता है, ये आपको 13 पता है, 13 पता है, इधर इधर बी का वैल्यू क्या है 4 पता है। अब क्यू और आर क्या होगा, तो यहाँ इतना सोचेंगे उससे बेहतर कि यहाँ पर दिमाग लगाते हैं। 4 से डिवाइड किया कि इसको 13 को डिवाइड किया गया है, और क्या आया, तो उधर 3 गया क्यू के जगह पर, और आर की जगह पर क्या है 1। क्यू की जगह पर कितना है 3, और आर की जगह पर है 1। या तो सिंपली आप इतना परेशान ना हो, सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पर इस पहले फर्स्ट टाइम में क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम एक पहले एक स्टेप में ये डिवीजन हुआ था पूरा, देखिए ये डिवीजन हुआ था पहला फर्स्ट स्टेप, उसका फिर से जब सेसफल हुआ तो सेसफल को फिर से वही प्रोसेस से डिवाइड किए थे, लेकिन पहला ये जो हुआ था पहले इसको हम लोग यूक्लिड में कन्वर्ट करते हैं, फिर बाद में इस नीचे वाले को यूक्लिड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पहले इसको करते हैं कन्वर्ट, तो इसको करेंगे क्या लिखेंगे, 13 = 4 × 3 + 1, 13 = 13 = 13 × 4 × 3, 4 × 3 + 1। ठीक है, पहला बार डिवाइड होके मतलब एक आया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट मतलब पहला स्टेप हुआ ये। ठीक है, अब चलो अब अगला हुआ स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड हिंदी में आप चरण लिख सकते हैं, चरण 1 चरण 2 चरण 3, यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 लिख सकते हैं। तो स्टेप 2 में सेकेंड वाला डिवीजन का बात करेंगे, किसका बात करेंगे सेकेंड वाले का, मतलब इसका है ना, इसका इसका बात करिए। तो यहाँ पर देखिए 4 बराबर क्या आएगा, 1 × 4 + 0 है ना, 4 = 1 × 4, 4 × 1 नहीं, 1 × 4, 4 = 1 × 4 + 0, 4 = 1 × 4 + 0, सॉरी प्लस जीरो। देखिए जब अपने को शेषफल मिल जाता था 0, तो उस समय जो भाजक होता है b, यहाँ पर b होगा ना, इसके हिसाब से देखिए तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये q होगा, ये r होगा है ना। तो यहाँ पर जो b होता है वही b हो जाता है HCF, कब, जब शेषफल आपका 0 हो, जब r आपका 0 हो, जब r आपका 0 हो तो b आपका HCF हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि r = 0, चूंकि r क्या हो गया है 0, इसलिए HCF किसका किसका निकाले हम लोग, 4 और 13 का निकाल रहे थे, तो 4, 13, 4 और 13 का HCF होगा क्या हो जाएगा b, यहाँ पर b क्या है 1, ये 1। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग जान गए 1, और वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखें, HCF जो होगा वो 1 होगा, बी जो तो भाई आपका HCF के रूप में काम होता है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेरा अपने से दिया हुआ था क्वेश्चन। अब आते हैं NCERT के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, NCERT का क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1, चैप्टर फर्स्ट का बात कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें 4052 एवं 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फाइंड करना है, ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक है, तो चलिए अब भाई दो चीज़ आपको मिल गया फिर से, तो हम लोग क्या करेंगे HCF निकालने के लिए पहले भाग विधि से इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद फिर उसको यूक्लिड के हेल्प से यूक्लिड वाले फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करते हुए HCF निकाल के दिखा देंगे। तो पहले भागा से डिवाइड करते हैं, मतलब प्रोसेस करते हैं इसमें। चलिए तो 4052 छोटा ये वाला है, इससे डिवाइड करेंगे इसको 12576 को, 12576 को। ठीक है, देखिए 3 बार में जाएगा, 3 बार में 3 × 6, 3 × 5 = 15, 5 बाकेट में 1, 3 × 6 = 12। क्या आया, 6 में 6 गया 0, 7 में 5 गया 2, 5 में 1 गया तो 4, ये 2 में 2 0 0, मतलब ख़त्म, 420। ठीक है, 420 मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, आर आ गया। तो
ठीक है, अब उसका क्या करते हैं, फिर से 420 से भागा देंगे किसको, 4052 को, 4052 को कितना बार में जाएगा, नौ बार में जा सकता है, देखते हैं, 9 × 2 = 18 कट बाकी है, तो मैं 1 × 36 और 1 × 37, 9 बार में देखते हैं जाना चाहिए, 9th बार में 9 को 0 करेंगे 0, 9 × 2 = 18 का 8 बाकी है, तो मैं 1 × 9 = 36 और 1 × 37, 10 बार में नहीं जाता, ठीक है, तो 2 में 0 गया 2, 15 में 8 गया तो 7, यहाँ बच गया 9, 9 में 7 गया 2, इधर 0 हो चुका है, 272 है, 272 से फिर से डिवाइड करें 420 को, तो 420 को डिवाइड कीजिए 272 से, एक बार में 1 बार में जाएगा 272 आएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 10 में 2 गया तो 8, यहाँ बच गया आपका 11 में 7 गया तो 4, इधर 3 में 1 गया तो 2, 148, 148, उसके बाद 148 से भागा दे 272 को, 272 को भागा दीजिए, एक बार में भी जाएगा क्या आ जाएगा, 148, 12 में 8 गया तो 4, 6 में 4 गया तो 2, इधर 124, 124 से भागा दीजिए 148 को, एक बार में 124 क्या बच गया 24, फिर 24 भाग दीजिए 124 को, 24 × 5 = 120, 5 आया सॉरी 4 आया, 4 4 आया, नीचे दिख नहीं रहा लगता है, ट्वेंटी फोर, इसका आगे इधर कंटिन्यू कर देते हैं, यहाँ पर 24 आया हुआ है, 24 से अब 24 से डिवाइड करते हैं 124 को, 24 से डिवाइड करते 124 को, तो 24 × 5 = 120, कैसे बचेगा 4, ठीक है, अब आया 24 तो 4 × 6 = 24, ये हो जाएगा 0, तो ये 0 आ चुका शेष, जब 0 शेष आया उस समय जो बी होगा 4, यही 4 क्या हो जाएगा HCF किसका, इन दोनों का, ठीक है, अब देखिए इतना लंबा प्रोसेस हुआ है, कितना स्टेप में बनेगा देखिए ध्यान से, तो एक स्टेप तो ये वाला है, ठीक, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 4, 5, 6 और 7 स्टेप, ठीक है ना, 7 स्टेप में आया हुआ 0, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करते हैं, चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ये रफ में मतलब यहीं पे साइड में कर लिया कीजिएगा हमेशा, एग्जाम में भी कर सकते हैं, और ताकि कभी गलती ना हो, मिस्टेक ना हो, यहाँ पर क्या है, ए बराबर क्या है, ए बराबर बड़ा वाला मानते हैं हमेशा 12,576, और बी बराबर 4,052, ठीक है, चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है जैसा हम लोग जानते हैं, अब स्टेप फर्स्ट को देखते हैं, पहला स्टेप में क्या हुआ था, पहला स्टेप जब फर्स्ट टाइम आपका डिवीजन हुआ था क्या होगा, 12,576 बराबर 4,052 × 3 और प्लस 420, 12,576 बराबर 4,052 × 3 प्लस 420, चलिए तो स्टेप फर्स्ट होगा आपका क्या, 12,576 बराबर 4,052 × 3 प्लस 420, स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप सेकंड को देखिए, ये रहा 4,052 बराबर क्या 420 × 9 और प्लस 272, फिर से 4,052 बराबर 420 × 9 प्लस 272, ठीक है, 4,052 = 420 × 9 प्लस 272, ठीक, स्टेप थर्ड, थर्ड स्टेप पे चलिए,
ये रहा 420 बराबर 272 गुने 1 प्लस 148, है ना, 272 गुने 1 प्लस 148, 420 बराबर, तो 420 बराबर, 420 बराबर 272 गुने 272 गुने 1, अब प्लस 148, ठीक है। अगला स्टेप नंबर 4, चलिए अगला स्टेप आपका ये रहा 272 बराबर 148 गुने 1 प्लस 124, देखिए 272 बराबर 148 गुने 1 प्लस 124, 272 बराबर, 272 बराबर 148 गुने 1 गुने 1 प्लस 124, ठीक है। अगला स्टेप होगा 148 बराबर 124 गुने 1 प्लस 24, है ना। चलिए स्टेप 4, सॉरी 5, स्टेप 5 होगा 148 बराबर 148 इज इक्वल टू 124 गुने 1 प्लस 24, ठीक। स्टेप 6 इसको देखिए, तो 124 बराबर 24 गुने 5 प्लस 4, है ना, 124 इज इक्वल टू 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4, ठीक है। स्टेप 7, सातवां स्टेप, 24 बराबर 4 गुने 6 प्लस 0, 4 गुने 6 प्लस 0, देखिए अपने को रिमाइंडर क्या मिल गया, 0, आर मिला 0। जब आर 0 मिल जाए उस समय एचसीएफ क्या होता है, जो बी होता है, बी इस केस में क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर 0 है उसमें बी कितना है 4, है ना, फिर से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो अगर आर आपका 0 आ गया उस समय बी जो होता है, जो यहाँ पर 4 है, वही आपका हो जाएगा एच सी एफ। तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में कि चूंकि आर बराबर 0 मिल गया अपने को, इसलिए एच सी एफ पता चल गया। एच सी एफ किसका किसका, 4052 का, और किसका, 12576 का, 12576 का, इन दोनों का एच सी एफ कितना हो जाएगा, जो बी होगा, बी कितना है 4, तो यहाँ पर 4 आ गया आंसर, ठीक है। ये निकल गया एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये बोर्ड एग्जाम में, तो उसको भी कॉपी कर लीजिएगा, मतलब उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला आपका एक्सरसाइज 1.1 का है, मिटा रहा हूँ इसको। चलिए एक्सरसाइज, इसका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट आपको दिया हुआ नंबर्स 135 एवं 225, इसका निकालना एचसीएफ का, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं। इसका आगे के दो क्वेश्चंस और हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट में, वो दोनों क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बने तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में हम हेल्प करेंगे, और नहीं हो पाएगा फिर से वीडियो बना देंगे उसका, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम करेंगे वीडियो बना के, चाहे जैसे हो हम सोल्यूशन ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए आप सिर्फ पर डे जो वीडियो आता है उस वीडियो को देखा कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए, बाकी सारा हेल्प हम करेंगे, आपका फुल मार्क्स लाने गारंटी मेरा है, ठीक है। आपका हर एक टॉपिक क्लियर होगा और कोई चीज़ नहीं छूटेगा, आप खुद सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, 135 और 225 इन दोनों का एच सी एफ फाइंड करना है, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, आप जब इतना बड़ा क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेते, छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। 135 और 225 इन दोनों का एच सी एफ, पहले भाई डिवीजन का काम करते हैं, भाग का काम करते हैं,
135 और इधर 225 है। चलिए डिवाइड करते हैं, कितना बार में जाएगा? एक बार में आ जाएगा 135। 5 माइनस 5 जीरो, इधर आ गया 12, 12 में 3 गया 9, इधर वही रहा। ठीक है, 90 से, अब 90 से डिवाइड करना पड़ेगा 135 को। 135 को डिवाइड कीजिए 90 से, एक ही बार में जाएगा। एक बार में चला गया 90, कितना बचेगा? 5 इधर 9 में 4, 45, 45 बचा। अब 45 से फिर से डिवाइड कर, क्या 90, 45 टू जा मतलब 45 दूना 90, जीरो शेष आ गया, रिमाइंडर आ गया कितना? जीरो। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा? 45। ठीक है ना, डिवीजन मेथड अच्छे समझते हैं इस चीज़ को। 45 यहाँ पर आपका एचसीएफ हो गया। अब इसको यूक्लिड के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। और यूक्लिड के लिए आप यहाँ पर देखते हैं ए और बी क्या होगा। यहाँ पर बताइए ए क्या होगा, जो छोटा वाला, जो बड़ा वाला तो वो ए होता है, यहाँ बड़ा क्या है 225, तो आपका ए होगा 225 और बी आपका हो जाएगा 135। यहाँ ए है 225 और बी है 135। ठीक है, चलिए यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिदम का हेल्प लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट यहाँ से देखिए, अब पहला स्टेप क्या होगा? तो 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90 होगा 225। 225 इज इक्वल टू 135। 135 इंटू 1 प्लस 90, स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकेंड, सेकेंड स्टेप का बात करते हैं तो सेकेंड वाला 135 इज इक्वल टू 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 गुने 1 प्लस 45। 135 इज इक्वल टू 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड क्या होगा? तो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। 90 इज इक्वल टू 45 गुने 2 और प्लस 0, चूँकि यहाँ पर 0 आ चुका है, आर बराबर क्या आ गया? 0 आ गया, इसलिए जो 45 आपका जो बी के जगह पर है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो बी के जगह पर 45 है वही आपका हो जाएगा एच सी एफ। तो यहाँ लिखते हैं सिंस आर इज इक्वल टू 0, इसलिए एच सी एफ किस किस का एच सी एफ? 135 और 225 का। 135 और 225 का एच सी एफ क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 45। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका एच सी एफ निकालने का काम था, ये कंप्लीट हो गया। बाकी दो और क्वेश्चंस इसके अंदर है, उन दोनों को आप सोल्व करिएगा। बाकी और जो क्वेश्चंस हैं वो आगे हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।